गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टडी विद कलीम। दोस्तों आज है 19 अक्टूबर 2018 और आज हम लोग 18-19 अक्टूबर के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आपने अभी तक मेरा चैनल स्टडी विद कलीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के शेयर पढ़ने वाले ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने संदीप बख्शी को किस बैंक के नए सीईओ व प्रबंधक नियुक्त निदेशक नियुक्त की मंजूरी दी है? तो संदीप बख्शी को आईसीआईसीआई बैंक के नए सीईओ व प्रबंधक निदेशक नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। ये रहे संदीप बख्शी जी। अगला हमारा प्रश्न है, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है वो कौन है? तो जो आर्मेनिया के प्रधानमंत्री है वह है निकोल पाशिनियान। ये रहे निकोल पाशिनियान जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। किसे इंडिया सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड दिया गया है? तो इंडिया सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का 2018 का अवार्ड प्रेमा गोपालन जी को दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे नोकिया कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो नोकिया कंपनी के नया ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, आरबीआई के पूर्व गवर्नर जिन्हें हाल ही में बैंक बाजार कंपनी के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? यहाँ पर चार ऑप्शन है, आदिल सेठी, एसएस मुंद्रा, विजय पाटिल, घनश्याम बेनीवाल। तो बैंक बाजार कंपनी के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाने वाले हैं एसएस मुंद्रा जी को। ये रहे एसएस मुंद्रा जी को बैंक बाजार कंपनी के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 के लिए किसे शुभंकर बनाया गया है? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 के लिए कछुआ को शुभंकर बनाया गया है। इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं और इसका उद्देश्य क्या है। ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण हेतु प्रयास करना, ये कछुआ ओडिशा राज्य में विलुप्त होने की कगार पर है। पुरुष हॉकी विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया जाएगा और यह 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 तक किया जाएगा। ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में यह गेम होगा और ये ओलिव रिडले कछुए के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये कछुए मुख्यतः प्रशांत हिंद अटलांटिक महासागरों के गर्म जल में पाए जाने वाले मांसाहारी कछुए हैं। ये कछुए हजारों किलोमीटर यात्रा तय करके ओडिशा के गंजम तट पर अंडे देने आते हैं और बच्चे के जन्म के बाद वापस चले जाते हैं। मान्यता के अनुसार जब ये कछुए जन्म के 30 साल बाद प्रजनन योग्य बनते हैं तो अपने जन्म स्थान पर ही अंडे देने आते हैं। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 2000 नियोक्ताओं की सूची में किस भारतीय कंपनी को 22वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो 2000 नियोक्ताओं की सूची में भारतीय कंपनी की जो कंपनी है जो 22वां स्थान प्राप्त हुआ है वह है LNT लार्जन एंड ट्यूर्बो लिमिटेड, जिसे 22वां स्थान मिला है। इसे दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 200 नियोक्ताओं की सूची में जो भारत का कौन सा टॉप 25 कंपनियों में कौन सा कंपनी आया है? तो वह है LNT जो कि 22वां स्थान प्राप्त हो किया है। इसके बारे में जान लेते हैं, इस सूची में महिंद्रा एंड महिंद्रा को इसके बारे में बताया था 55वां, ग्रासिम इंडस्ट्रीज को 59वां, एम HDFC को 91वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में अल्फाबेट प्रथम और माइक्रोसॉफ्ट दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर मैंने फिगर लगाना भूल गया है। ये रिपोर्ट कर्मचारियों द्वारा अपने नियोक्ताओं के बारे में बताए गए फीडबैक के आधार पर है।
फीडबैक आपको पता ही होगा। फीडबैक अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप फीडबैक देते हैं, उसी आधार पे यह किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। विषय इसका थीम है मानव अधिकारों और गरिमा के सार्वभौमिक सम्मान की एक समावेशी दुनिया के सृजन के लिए अत्यंत पिछड़ों को साथ लेकर आगे बढ़ें, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कमिंग टुगेदर विद दोज फर्देस्ट बिहाइंड टू बिल्ड एन इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड डिग्निटी। मिल्कमैन नामक उपन्यास की लेखिका कौन है जिन्हें माइन बुकर पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? ये तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइन बुकर पुरस्कार मिला है। तो यह जो पुरस्कार जिनको मिला है वह है एना बंस को। ये रही एना बंस जिन्हें माइन बुकर पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है, और उनकी पुस्तक है मिल्क मैन। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मिल्क मैन क्या है, क्योंकि थोड़ा नाम अजीब है मिल्क मैन, तो आपको बताना है कि यह नावल है उपन्यास है। इनके बारे में जान लेते हैं। एना बर्न्स को उनके उपन्यास मिल्क मैन के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। ये उत्तरी आयरिश की पहली लेखिका है जिन्हें बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मिल्क मैन उपन्यास 1970 के समय की आयरलैंड की एक 18 वर्षीय लड़की पर आधारित है। मैन बुकर क्या है? यह पुरस्कार हर वर्ष अंग्रेजी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। बुकर पुरस्कार की स्थापना सन 1969 में इंग्लैंड के बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा की गई थी। इसमें विजेता लेखक को 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे निराशजनक देश कौन सा है? तो जो निराशजनक देश है वह है भारत। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। छूट गया है, चलिए आगे लेते हैं। 16 अक्टूबर 2018 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर किस राज्य ने खाद्य साथी योजना की शुरुआत की है? तो 16 अक्टूबर 2018 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल ने खाद्य साथी योजना की शुरुआत की है, और इसे आप याद रखिएगा। ये रही, ये वहाँ की वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है और ये खाद्य साथी। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 16 अक्टूबर 2018 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल में खाद्य साथी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत राज्य के सभी जातियों एवं जनजातियों को खाद्य सुरक्षा मुहैया की जाएगी। और वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, वहाँ के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और वहाँ के राज्यपाल है केसरीनाथ त्रिपाठी। 17 अक्टूबर 2018 से किस देश ने गांजा के उपयोग को वैध करार दिया है? तो 17 अक्टूबर 2018 से जिस देश ने गांजा को के उपयोग को वैध करार दिया है वह है कनाडा। ये रहा गांजा, और गांजा का वो साइंटिफिक नेम है कैनाबिस। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 17 अक्टूबर 2018 से किस देश में कैनाबिस नामक, क्वेश्चन में ये आ सकता है कैनाबिस नामक, इसलिए मैं दोनों बता दिया। साइंटिफिक नेम है कैनाबिस गांजा, तो वह कनाडा ने वैध करार दिया है। उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 17 अक्टूबर 2018 को कनाडा में गांजे या भांग को वैध करार दिया गया है और इससे पहले उरुग्वे के बाद कनाडा दुनिया का दूसरा ऐसा देश होगा जिसने इसके उपयोग को वैध माना है, यानी कि उरुग्वे इसे वैध पहले ही मान चुका है। दुनिया भर में गांजे का सर्वाधिक उपयोग भी कनाडा में ही होता है, और कनाडा की राजधानी है ओटावा, प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो,
और ये गांजा इसलिए भी वहाँ पे अवैध करार दिया गया है क्योंकि अभी गांजा से दवा वा बनता है, इस वजह से वहाँ पे अवैध करार दिया गया है। निम्न में से कोंकणी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार विमला वी पाई विश्व, विमला वी पाई विश्व किसे प्राप्त हुआ है? तो विमला वी पाई विश्व H.M. पन्नल को प्राप्त हुआ है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। H.M. पन्नल को उनकी कोंकणी में लघु कहानियाँ के संग्रह बिगड़ी बिगात के लिए कोंकणी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार विमला वी पाई विश्व प्राप्त हुआ है। इनको ये पुरस्कार 18 अक्टूबर 2018 को दिया जाएगा। इसमें पुरस्कार राशि के तौर पर 1 लाख रुपए एवं प्रमाण पत्र दिया जाएगा। विश्व कोंकणी केंद्र की स्थापना 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय मैंगलोर कर्नाटक में है। 12वीं एशिया यूरोप बैठक आयोजन 18 अक्टूबर से कहाँ किया जा रहा है? तो वह बेल्जियम में किया जा रहा है। 12वीं एशिया यूरोप बैठक 18 अक्टूबर को बेल्जियम में शुरू किया जा रहा है। 12वीं एशिया यूरोप बैठक शिखर सम्मेलन का आयोजन 18-19 अक्टूबर को बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है और विषय होगा यूरोप और एशिया वैश्विक चुनौतियों के लिए वैश्विक भागीदारी, और भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू इसमें भाग लेंगे। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट में भारत को 58वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत को 58वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बारे में जान लेते हैं। ये रिपोर्ट 140 देशों की अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, जिसे संस्थाएं, तकनीक, स्वास्थ्य, श्रम बाजार जैसे 12 मानदंडों के आधार पर तैयार किया गया था। इस सूची में पहला स्थान अमेरिका को इस सूची में पहला स्थान आप याद रखिएगा अमेरिका को, दूसरा स्थान सिंगापुर को एवं तीसरा स्थान जर्मनी को मिला है। इस सूची में हैती, यमन एवं चाड सबसे नीचे है। तो ये भी याद रखिएगा, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे जर्मनी और सबसे लास्ट में है यमन एवं चाड सबसे नीचे है। और इसका स्थापना हुआ था 1971 में और मुख्यालय स्विट्जरलैंड स्थित जिनेवा में। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरा चैनल या स्टडी विथ कलीम को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, जो कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।